चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Realize I'll do what I want. तो क्या हाल है दोस्तों? Welcome to my new vlog. तो भाई आज हम जा रहे हैं मोरनी घूमने। पहली बार हम कहीं थोड़ा दूर जा रहे हैं घूमने, क्योंकि वैसे चंडीगढ़ ही जाते हैं, उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाते। आज हम जाएंगे मोरनी, तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं एक बार ही गया था और आज दूसरी बार जा रहा हूँ। मुझे रास्ता उस्ता थोड़ा बहुत पता नहीं है, तो हम गूगल मैया की वो लेंगे, सहायता लेंगे पहुँचने के लिए। तो ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं घर से। पहले हम जाएंगे जीरकपुर, वहाँ से उठाएंगे अपने साले साहब को, ठीक है, फिर वहाँ से निकलेगा मोरनी। तो चलो चलते हैं एंड स्टे ट्यून। और भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, मजे करेंगे मोरनी में जाके, और आपको दिखाएंगे अपने साथ ले जाके कि वहाँ पे कैसा कैसा व्यू है, और आप भी हमारे साथ मजे करना। तो चलो चलते हैं। तो यार हम पहुंच चुके हैं जीरकपुर, और हमारे साले साहब ऊपर होंगे शायद, हाँ तो वो आ रहे हैं नीचे, और हमने गाड़ी लगानी है यहाँ पे, और हमने लेके जानी है यहाँ से क्विड। तो अभी तो लेट नहीं करना हमें जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा इन्जॉय भी करेंगे वहाँ पे। अभी तो हमारे साले साहब नीचे आ रहे हैं, ये देखना अभी आगे से आएंगे। ये देखिए ये आपके साथ, ये मैं अपने कैमरे के साथ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आ गया हमारे साले साहब। और अभी ये गाड़ी निकालेंगे तो हम वहाँ पार्क करेंगे, हाँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मज़े भी करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि हम तो चलो गाड़ी पार्क करके बात करता हूँ भाई आपसे, ठीक है। ये गाना बज रहा है ना एक, तो ओह गाना अच्छा बज रहा है, गाना अच्छा बज रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो पार्क करते हैं गाड़ी, ठीक है। तो ये यामू हमारा पहुँच चुका है अपने नानू के घर, नानू हाउस, और ये मेरे यामू को पप्पी दे रखी है मच्छर ने, है ना। देख हमने टेडी नाम के काम की चीज निकाल के रखी हुई। चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अभी हम निकल रहे हैं भाई मोरनी के लिए, और हमारा मोटू पहले इतनी छोटी उम्र में मोरनी घूमेगा। तो चलो चलते हैं, चलो चले। तो अभी चलो चलते हैं, मैप मूप लगाएंगे, क्योंकि हमें रास्ते का बिल्कुल पता नहीं है। मैप मेरे फोन में लगा दी। तो अभी हम भाई रास्ते में, और अभी देखिए रास्ते में लेबर चौक है, और भाई थोड़ी देर में पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और काफी मजा आएगा। देखिए सारे एक्साइटेड हैं हमारे छोटे मुन्नी, ये देखो। ठीक है, हम मिलते हैं फिर थोड़ी देर में पहाड़ों पे। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा कौन सा नांडा साई वाली रोड है। वैसे मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस चीज के बारे में, तो धीरे धीरे आज जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा रास्ते का, और अगली बार ही शायद हम और जगह घूमें, शायद कसौल कुसौल या फिर आगे भी जाएं। ओ यार कसौल नहीं चल लेते, ओ चले कसौल, ओ माय गॉड, गालियां पड़ जाएंगी घर पे, बेल्टी बेल्ट। तो चलो यार ये देखिए हम पहुंच चुके हैं भाई पहाड़ी एरिया में, और हमारी थोड़ा यामी है ना, थोड़ा उल्टी होगी उसे, क्योंकि थोड़ा गाड़ी भी साफ कर दे, खाना खुना ज्यादा खा लिया उसने गाड़ी, तो इसलिए थोड़ा वॉमिटिंग हो गई है। मुझे लगता है कि इसको पहाड़ी में उल्टी होगी हमें तो, है ना। नहीं यार खाना ज्यादा खा लिया उसने, मुंह तो साफ कर ले ढंग से। तो ये देखो पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो चुका है भाई, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। अभी तो थोड़ा खास व्यू नहीं होगा, आपको वाइड व्यू दिखाता हूँ इसका। तो ये देखो मैं आपको वाइड लुक दिखाता हूँ पूरे एरिया का। ये देखिए यार हम एंकी धो लें उसके बाद शूट करेंगे। ये देखिए जीजा कैमरा तो एंकी धो के बात करते हैं ये हमारा घायल हो गया व्लॉग भाई यामी के उल्टी के बाद अब निकल रहे हैं हम आगे के लिए, ठीक है।
और अभी का रास्ता थोड़ा मजेदार मजा आ रहा है वैसे रास्ते में जाने में, क्योंकि मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ भाई हिल एरिया में। तो ऐसा है कि आने वाले टाइम पे आप भी अपनी गाड़ी से जाएंगे उत्तराखंड, और वहाँ पे तो भाई इससे ज़्यादा हिल एरिया है और बहुत ज़्यादा घुमाओ फिरा रास्ता है, तो वहाँ पे भी ड्राइव करेंगे। यहाँ पे तो मज़ा आ ही रहा है, वहाँ पे और मज़ा आएगा। तो अभी तो हम तो अब थोड़ी देर में चलते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आगे देखते हैं। ड्राइव करते ना, ड्राइव करते टाइम अपा ड्राइव करते टाइम हम व्लॉग नहीं बना सकते, क्योंकि भाई हमेशा सेफ्टी फर्स्ट। तो यार एक बहुत बड़ा वो हो चुका है हमारे साथ, तो हमारे जो प्लान है वो पूरा प्लान चौपट हो चुका है, क्योंकि हमारी यामी को उल्टी हो रही है इसलिए, और अगर हम और ऊपर गए तो उसकी तबीयत कभी ख़राब हो सकती है, तो हम इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और इसलिए हम घर के लिए वापस मुड़ रहे हैं। तो हम पहुँचे अभी मोरनी पहुँचे हैं, मोरनी पहुँचे हैं, और तिक्करताल हम नहीं जा पाएंगे तो हम मोरनी से ही वापस मुड़ रहे हैं। सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे वहाँ, मज़े करेंगे, पर हमारे यामी के दुख ज़्यादा बढ़कर है हमारे, उससे हमारी खुशी से बढ़कर उसकी तबीयत है ये। हमारी खुशी से बढ़कर हमारी यामी की तबीयत है भाई, तो इसलिए हमें वापस मुड़ना पड़ेगा। वापस मुड़ते फिर देखते हैं क्या करते हैं घर जाके। कोई बात नहीं, घर ही चलते हैं। चलो फिर चलते हैं, मस्त पड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं फिर। कोई बात नहीं, ये जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती है, छोटी मोटी चीजें, कॉम्प्रोमाइज पर कुछ नहीं होता, खा लेते हैं। तो ऐसा है कि हमने भाई हम आ गए घर वापस और जरकपुर पहुंचने वाले हैं, और हमने मोटी की इतनी सारी फोटो खींची ना भाई मोरनी में, आया है मोटी की इतनी फोटो खींची ना, उंगली बाहर निकाल, और यामी तो इतनी खुश है कि दो बार तिक्करताल जाके। चुप रहो तुम, जले में नमक छिड़ा करो। तो यार ऐसा है कि थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, बट स्माइल अभी भी फेस में है मेरे, दुख की स्माइल। क्योंकि जाना था, क्योंकि ऐसा है कि जो दिल से जो खुश दिखता है ना शक्ल से, वो अंदर से उतना दुखी होता है। हंसते हैं चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ उन्होंने मतलब होता कि उन्होंने तकलीफा ना डील करना ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਡਾ ਪੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ अब हम ना जयपुर पहुंच के थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि यामी भी थोड़ा रेस्ट करेगी और मोटी भी रेस्ट करेगी। और यामी ने भाई वॉमिटिंग कर करके ना भाई उल्टियां कर करके मामी ने पूरी गाड़ी में परफ्यूम फैला दिया है अपना, तो यामी को पहले नहलाएंगे और तैयार करेंगे दोबारा से घर जाने के लिए। तो चलो चलते हैं, ये देखिए हम पहुँचने वाले हैं, बस लाइन पर बने रहिएगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घर और काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि यामी को संभालते संभालते, और मोटी भी थक चुकी है, मोटी की तबीयत थोड़ी ख़राब, मोटी को बुरा भी लग रहा है क्योंकि हम जा नहीं पाए, पर कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम पे चले जाएंगे बाइक में जाएंगे मोटर ब्लॉक करते हुए। तो चलो चलें फिर ऊपर चलते हैं, हैं कोई ना प्लान पोस्टपोन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ी में उल्टी होती है और ये लेके तो इतना गया था जो तुमने खा लिया। हमने सामान दुनिया भर का इकट्ठा कर लिया था, पर खाने का टाइम नहीं था हमारे पास, इतना घूमे हम। ओ माय गॉड, गले हुए केले नहीं खाता हूं। केले मामी को दे देंगे ऊपर जाके, पकड़ो तो फिर ऐसे पकड़ो उसको। ये देखो केले भी हमारी तरह हो गए। यार तो चलो ऊपर चलते हैं, है ना, कैसा। 2 hours later तो अभी दोबारा से प्लान बना है हमारा मूवी देखने का, क्योंकि हमारा वैसे पहले प्लान बी बना हुआ था, पर हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि हमें लगा कि लेट हो जाएंगे मोरनी से वापस आते टाइम। प्लीज, पर हम मोरनी से काफी ज्यादा बोल रहे हो, टॉन्टिंग नहीं, अरे टॉन्टिंग नहीं कर रहा यार। तो अब हम जा रहे भाई, हमने मूवी तो वैसे देखनी थी, तो अब हम मूवी के लिए प्लान करा और टिकट जैसे तैसे हमें मिल गई, और हमारे साथ मोनू भी जा रहा है क्योंकि मोनू ने थोड़े बहुत पार्ट छोड़ दिए मूवी के। तो वो देखने जा रहा है, बीच में ना वो थोड़े बहुत डायलॉग्स थे, वो ना गालियां दे रहा था, वो समझ नहीं आए उसे, तो सुनने जा रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहा उसने, तो इसलिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं फिर भाई,
मूवी देख के आते हैं वापस, फिर आपके पास व्लॉग में हम वापस आते हैं, क्योंकि मूवी में हम ले जा नहीं सकते, पायरेसी नहीं बना सकते हम मूवी की, ठीक है? तो इसलिए आपको हमेशा पायरेसी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पायरेसी इज अ क्राइम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, तो इसीलिए मैं करता हूँ व्लॉग को बंद, तो हम मूवी देख के आते हैं, ठीक है? तब तक बाय बाय, वेट कीजिए भाइयों। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. तो ये देखो यार, हम आ चुके हैं मूवी देख के, और ये देखो हम आए कॉस्मो में, और देखो कॉस्मो कितना रात को कितना चमकता है, और ये जा रही है मोटी। तो देख ली हमने मूवी, और कैसा लगा? नहीं मैं तो दूसरी बार कैसे लगी मोटी? वो मोरनी का दर्द थोड़ा हल हो गया। सो अगर कोई व्यूअर्स चाहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप प्लीज मेरे चैनल पे आएं, आपको बताएंगे हम। बताओ ना, शुरू तो करें। पहले वीडियो होगी वो रिव्यू पे। नहीं मूवी तो अच्छी थी, बट ये था कि थोड़ी डार्क और होगी थी। डार्क होने की वजह से उसके अंदर डिटेलिंग बहुत। अपने चैनल पे बोले, पता लग रहा है कि आने वाली KGF 3 4 का पता लग रहा है, दिखे ही ना अंधेरे में, कह रहे समझो अब क्या करना। हम पहुंच चुके हैं घर, और आज हमने मूवी भी देख ली KGF 2, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। जो सोचा था वैसे हुआ नहीं, पर कोई ना, होता रहता है ऐसे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ जो चाह नहीं होता वो हो जाता है, पर कुछ अच्छा हुआ, वो चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हम आज KGF मूवी देख के आए। तो हम मूवी देख के आए तो बहुत ही ज़्यादा मस्त मूवी थी Chapter 2 KGF, और मज़ा आ गया। साउंड भी एकदम मस्त था, एक्टिंग मस्त, और धमाकेदार मूवी। बस थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा था, पर उसी में ज़्यादा मज़ा आ रहा था वैसे देखने में, और मन कर रहा था कि बस मूवी ख़त्म ही ना हो, चलती रहे। तो बहुत मजा आया आज। तो फिर मिलते हैं, फिर भाई आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।